छोटा मोटा तकलीफ आएगा वो बर्दाश्त कर लो, लेकिन हमको ये बात कभी यकीन है कि लड़ाई का अंत में सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हम अपना हिम्मत नहीं टूटने देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस सुरीली और टाटा वाली से सतर्क रहना। तुमको नीचा दिखाने के लिए वो किस हद तक गिर सकती है उसका कल्पना भी नहीं कर सकती तुम। अब वो जो चाहे कर ले दादी, हम इस घर को घर बनाकर रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य। आज ऋषि का वजह से वो बौनी जल के मरने से बच गई, पर कब तक बचेगी? हम भी उसको सजा दिए बिना चुप नहीं बैठेंगे। अब की बार कुछ ऐसा करेंगे कि वार खाली ना जाए। लेकिन दीदी आप करेंगी कहाँ? वो बौनी तो वो अपने गुंडा कप्तान चाचा को सब कुछ बता दी होगी और उसने धमकी दिया है कि इस बार वो बौनी के साथ हम लोग कुछ भी किए तो उसका वो चाचा आ जाएगा। जब कप्तान आ गया तो हम करेंगे कहाँ? सुरीली, कप्तान हम पर उंगली तब उठाएगा ना जब वो हमको बौनी के साथ कुछ करते देखेगा। बौनी कोनो हादसा का शिकार भी तो हो सकती है ना, तो तब हमको कोई का ही बोलेगा। ये सही बोली दीदी आप, तो निकालिए अपना कोई बेस्ट तरीका। निकालते हैं आज की रात ना वो बौनी का किस्सा ही खत्म करते हैं। धतूरे कर दिया, मिला दे रही इलायची में, अभी वो बौनी आती ही होगी। जब वो अपने लिए दूध गर्म करेगी तो इलायची के साथ ये धतूरे कर दिया भी दूध में गर्म हो जाएगा। जब वो बौनी पिएगी तो सुबह तक उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। इससे पहले किसी का नजर पड़े, किसी को हम पे शक हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उससे पहले निकलो। चलो नौकरानी, तुम ना अपने लिए दूसरा दूध गर्म कर लो, ये हम ऋषि के लिए लेके जा रहे हैं। काहे कि ऋषि पति है ना हमारे और हम उनकी पत्नी, तो उनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। ये क्या है? धतूरे का बीज यहाँ किचन में कैसे आया? अरे वाह, तुम हमारे लिए दूध ले आई। क्यों नहीं ला सकते? हमें प्रॉब्लम आपकी इस जॉइंट फैमिली से, इस जॉइंट फैमिली के स्मार्ट लड़के से नहीं। चलो अब जल्दी से दूध फिनिश करो। किसी ने इलायची के डिब्बे में धतूरे का बीज मिला दिया है। हे भगवान, ये तो हमने दूध में मिला दिया। और सोनाक्षी ऋषि के लिए लेकर गई है। चलिए अभी आप आराम कीजिए।
ऋषि क्या हुआ आपको? सुरक्षा आप ठीक है? के दूध के ग्लास में धतूरा कैसे आ गया? धतूरा तो जानलेवा होता है ना? एक मिनट हटो। ये क्या कर रही हो? मार डालूंगी का? माजी एम्बुलेंस को तो बुलाइए, फोन कीजिए जल्दी से। बहुत देर हो जाएगा। बेटा तुम ठीक हो? हाँ माँ, हम ठीक हैं। लेकिन हमको हो क्या गया था? ऋषि, वो अभी आपने जो दूध पिया था उसमें धतूरे का बीज मिला हुआ था। क्या हमारे दूध के ग्लास में धतूरा कहाँ से आ गया? वो दूध का गिलास हमें इस नौकरानी ने दिया था। हमारे बेटे को जान से मारने का? काठावली, क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। इतना नीच हरकत करते हुए तुमको डर नहीं लगा जरा भी? अनमोल, सच क्या है? क्या बात है? ऋषि, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, सोनाक्षी ने हमारे हाथ से दूध का ग्लास लिया जरूर था, लेकिन उससे पहले ही उसमें किसी ने धतूरे का बीज मिला दिया था। ना इल्जाम दूसरों पर लगा रही हो? ये झुमका, ये तो चाची का है। ऋषि, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, जो भी कह रहे हैं सबूत के साथ कह रहे हैं। सबूत तो दिखाओ, कहां सबूत है? दिखाओ हमको। ये झुमका, पहचानी है आप लोग? अपने आप पता चल जाएगा कि
दूध में धतूरे का बीज मिलाने वाला कौन है? चाची जी, ये झुमका कहीं आपका तो नहीं? ये झुमका किसका? गौर से देखिए। चाची, आप हमें क्यों मारना चाहती हैं? अब आपका हमसे क्या दुश्मनी हो गया? बाबा रे बाबा, इतना बड़ा अंजाम, आप तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? किचन में जाते समय कान का गिर गया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जहर मिला है और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? तुम तो हमारे घर का इकलौता बेटा हो ना, हम तुमको क्यों मारना चाहेंगे? इतना निर्दयी नहीं है हम? हारी सिंह, तुम काहे इस बौनी के बात पे भरोसा कर रहे हो? ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ कारनामा इसने खुद किया हो। सुनीले का झुमका दिखाकर तुम्हारे सामने हम सबको गलत साबित करके खुद को महान बनने का प्लान बनाया हो, हो सकता है ना? एकदम आप यही बात है, एकदम आप सही बोल रही है। नहीं ऋषि, हम सच कह रहे हैं, दूध के गिलास में धतूरे का बीज सुरीली चाची नहीं मिलाया था। लेकिन वो आपको नहीं, हमको मारने के इरादे से मिलाया था। काहे कि किचन में वो दूध हम अपने पीने के लिए लेने जा रहे थे और तभी सोनाक्षी वहां आई और हमारे हाथ से दूध का ग्लास ले लिया, कि बोला कि आपके लिए लेके जा रहे, तो हमने उसे दे दिया और उसके बाद से आपके साथ ही सब हो गया। अपना बकवास बंद करो, कितना झूठ बोलोगी तुम? अगर ऐसा ही था तो ऋषि के दूध पीने के बाद तुमको काहे पता चला? दूध उबालते समय तुम्हारी आंखों में रतंदी हो गई थी का? ठीक है, तो अभी पुलिस को बुला के जांच करवाते हैं। सारा सच अपने आप एक मिनट में सामने आ जाएगा और असली अपराधी को अपना असली जगह मिल जाएगा जेल में। लेकिन इस घर का इज्जत के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे फिलहाल, इसलिए प्लीज हमारे ऊपर इल्जाम लगाना बंद कीजिए और इस हादसे से ये सबक ले लीजिए कि दूसरों को जलाने के लिए लगाई आग में खुद को जलना पड़ता है, जैसा आज हुआ है। ऋषि, आपको हम पर भरोसा करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। ये सच है कि इन्होंने हमको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उससे जान आपका खतरे में पड़ गई। गुना? ऋषि, हमने तुमसे कहा था कि इस घर में तो ये ड्रामा कभी बंद नहीं होने वाला। आज आपकी जान पे खतरा है, कल हमारी जान पे भी खतरा आ सकता है। आप जल्दी से जल्दी कुछ सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। क्या सोच ले? वो आप अपने बेटे से बाद में पूछिएगा। लेकिन अभी के लिए प्लीज जाइए इस कमरे से। सब का तरीका है बात करने का, भूल गई हो का कि हम तुम्हारे सास हैं? तो सासू माँ, प्लीज हमें चैन की सांस लेने दीजिए, आप जाइए हमारे रूम से। देख लिया आपने या नहीं, समझ में आया कुछ? एक ये है और एक अनमोल भाभी,
नीलम, आज के बाद हमारा कंपैरिजन ना अपनी उस नौकरानी अनमोल से मत करना। प्लीज जाओ सब यहां से। ऋषि, प्लीज इन सबसे कहो निकल जाए यहां से। माँ, अभी इस वक्त हमको अकेला छोड़ दो, हम बाद में बात करते हैं। प्लीज माँ। ऋषि, इतना सब होने के बाद ना हम इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकते। तुम प्लीज हमें बस अपना फैसला करके बता देना। सोनाक्षी बेटा, ऋषि कहाँ है? वो अभी आ रहे हैं। अरे पकवान में ऐसा का छन रहा है जो इतना देरी लग रहा है? कब से सब लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं। सुरीली, जाओ जाके देखो कहे टाइम लग रहा है, जाओ। क्या देखने जा रही हैं चाची जी? नाश्ता नहीं आएगा? कि हम नौकरानी को आने से मना कर दिए। का है? तुम खुद को इस घर का मालकिन समझती हो का? नहीं नहीं, मालकिन की वजह से नहीं, ऋषि और अपनी सुरक्षा की वजह से किए। कल रात जो हादसा हुआ था उसका सारा इल्जाम हमारे सर पे आया था। कल को किसी और चीज में कुछ मिल जाएगा तो उसका इल्जाम भी हमारे सर पे आएगा। इससे बेहतर है कि घर का सारा काम, बर्तन, झाड़ू पोछा, घर की सफाई, सब कुछ घर के लोग ही करें ताकि सब कुछ सुरक्षित रह सके। इसलिए खाना आप दोनों बनाएंगे। तुम्हारा दिमाग फिर गया है का? हमसे ना ज्यादा होशियारी करने का कोशिश भी मत करना तुम। अनमोल भाभी सही तो कह रही है, इसमें गलत क्या है? तुम लोगों का औरतों का ये रोज का झमेला है। हम भूखे नहीं रहना चाहते, अस्पताल जाना है हमको। टाटा वाली हमारे लिए नाश्ता। हम कह रहे थे कि उनको अस्पताल जाना है, हमारे लिए नाश्ता बना दो। नहीं बनाऊंगी तो हम अस्पताल जाके खा लेंगे। सोनाक्षी, तुम इस घर का बहू हो, कायदे से ये जिम्मेदारी तुम्हारा है। अरे कुछ बनाना नहीं आता तो कम से कम अंदर जाके सास की मदद तो करो। क्या बात है सोनाक्षी, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? 10 बज गए लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं मिला हमें इस घर में। और तुम्हारी दादी, उनका क्या कहना है कि नाश्ता हमें तभी मिलेगा जब हम खुद जाकर किचन में खाना बनाएंगे। हम तो नौकरानी बनकर रह गए हैं इस घर की। दादी ऐसा कैसे कह सकती? तुम रुको, हम अभी जाके पूछते हैं उनसे। रुको ऋषि, अब तुम जाकर दादी से सवाल करोगे, फिर से बात बढ़ेगी, फिर से वही तमाशा होगा। और सारा ब्लेम तो हम पर आएगा ना कि हम इस घर को तोड़ना चाहते हैं। देखो ऋषि, हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर ना अपनी मैरिड लाइफ खराब नहीं करना चाहते। हम तो आपके साथ जीना चाहते हैं ना।
लेकिन शायद इस घर में रहकर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इस घर में रहकर तो वही होगा कि सुबह सबसे पहले जल्दी उठो, सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर डिनर बनाओ। ओह माय गॉड, अगर हमें किचन में ही रहना है हर वक्त तो हम आपके साथ कब टाइम बिताएंगे? और वैसे भी एक बात बताइए, आप हमें अपनी वाइफ बनाकर इस घर में लेकर आए थे या फिर एक नौकरानी? सुरीली, कैसे भी करके ना ये बौनी को इस घर से निकालना पड़ेगा। कहे कि सोनाक्षी भी उसका वजह से परेशान रहती है। हाँ दीदी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। लेकिन वो बौनी इतना चालाक है कि उसके ऊपर कोई भी तरीका काम ही नहीं कर पाता है। आप जितना उसको भगाना चाहती हैं, वो इस घर में और जमती जा रही है। माँ, हमको आपसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो। वो माँ, हम सोच रहे थे कि हम और सोनाक्षी कहीं फ्लैट लेके अलग रहने चले जाएं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.